पंचायत समिति चौहटन की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को आनंद फानंद में आयोजित की गई। बैठक में महज 5 पंचायत समिति के सदस्य उपस्थित हुए, वहीं गिने चुने सरपंच ही बैठक में उपस्थित हुए। कोरम के अभाव में विभागीय स्तर पर बैठक होना बताया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों के मरम्मत कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन करने के लिए गुरुवार को विशेष बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन सूचना के अभाव एवं शादियों की व्यस्तता के चलते अधिकांश सदस्य बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए। आनंद फानंद में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 18 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। वहीं महानरेगा प्लान का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर 3 ग्राम सेवकों के स्थायीकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। कुछ पंचायत समिति सदस्यों ने कोरम पूरा नहीं होने व समयबद्ध सूचना नहीं मिलने का हवाला देकर बैठक स्थगित करने की मांग की, लेकिन प्रधान के हस्तक्षेप के बाद बैठक को मान्यता दे दी गई। शर्मा पंचायत समिति चौटन, आज की साधारण सभा मीटिंग के अंदर न किसी पत्रकार को बुलाया गया, न किसी अफसर आए, न जनप्रतिनिधि आए। इस मीटिंग को बिल्कुल शोरपूर्वक विदाई, जो हमारी विदाई मीटिंग थी उनको उन्होंने बिल्कुल फीका करार कर दिया गया। इसमें एमएलए साहब भी नहीं थे और न कोई अफसर आए थे। इस मीटिंग को प्रधान साहब ने न तो इतला दी गई, न इसके अंदर कोलम पूरा हुआ है, फिर भी इन्होंने कोई प्रस्ताव लिए। इस मीटिंग को बिल्कुल अनुचित रूप से पेश किया गया है और इस मीटिंग का मैं एक दिल से विरोध करता हूँ। इसीलिए इस मीटिंग को मर्तबाज वापस कराया जाए। 18 तारीख को जिला परिषद की मीटिंग के अंदर कुछ प्रस्ताव देने थे जो अधूरे रह गए हैं। हमारी ये साधारण सभा की अंतिम मीटिंग की पंचायत समिति की, इस मीटिंग को वापस 17 तारीख को कराने का अनुरोध मैं चाहता हूं, तक 18 तारीख की मीटिंग को हम कुछ कोई अपने प्रस्ताव दे सके। ना तो इसमें पत्रकार महोदय आए, ना इसके अंदर कोई किसी अफसर नहीं आने से इस मीटिंग का रंग बिल्कुल फीका रहा। जो समस्या थी वो हमारी अधूरी अधूरी है। जो पहले समस्या मीटिंग उठाए गए वो भी बाकी रहे मुद्दे, इन मुद्दों की वजह से हमें परेशानी हो रही है। हम ये विनती करते हैं कि इस मीटिंग को वापस बुलाकर ताकि साधारण सभा की अच्छी तरह से मीटिंग हो सके। सूचना हमारे को फोन द्वारा दी गई थी, लेकिन हमें पत्रकारों से बात हुई थी, उनको लोगों ने उनका सूचना हमें नहीं दी गई है। इसके बारे में थोड़ा हमें दुख है कि ये बहुत गलत हुआ है। हमें एक फोन के आधार पर एक पीओ ने दी थी, लेकिन कोई अवसर वश की तरह से हमारे को सूचना नहीं थी। ये लिखित रूप में नहीं देते हैं, ये फोन के रूप में देते हैं ताकि फोन के ऊपर कहे फोन नहीं लगे तो उनका प्रॉब्लम है। इनकी तरफ से एक बार किया जाता है, इसके बाद नहीं दी जाती है। तो ये हमारे को दुख है कि इसके अंदर वो लोग नहीं आए जो इस मीटिंग के बिल्कुल मुख्य हिस्सेदार थे। तो हमें इसके लिए चीज की थोड़ी परेशानी है। मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ कि हमारे ये पंचायत समिति का आज कड़ा दिवस किया जाएगा। ऐसा दिन क्या घोषणा करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मीटिंग के अंदर जब जनप्रतिनिधि और पत्रकार महोदय नहीं आते तो मीटिंग किस काम की, किस लिए मीटिंग करे। हमारे मुद्दे हुआ हमारे खत्म हो गए, मुद्दे जनता की आवाज दब गई। मीटिंग से जनता की आवाज जिला परिषद पहुंची है, जिला परिषद की आवाज जयपुर दिल्ली तक पहुंची है, आवाज हमारी बंद रह गई है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल खेद प्रकट करता हूँ।